सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है, और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ऐतिहासिक ऐतिहासिक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये जीत ऐतिहासिक है। मैंने कहा था कि महायुति को भारी बहुमत मिलेगा। मैं अपनी लाडली बहनों, किसानों और सभी वर्गों को धन्यवाद करता हूं। महायुति ने जो काम किया है, जनता ने उस पर वोट दिया है, इसलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो दो ढाई साल हमारी महायुति ने काम किया है, ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने सिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जा दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। वैसे ही आगे का भी जो निर्णय है हम लोग तय कर लेंगे। बीजेपी का ये कहना है, ऐसा हमारे सर, बीजेपी का ये कहना है कि जिसकी ज्यादा नंबर होंगे उनका मुख्यमंत्री होगा, तो क्या इसको सपोर्ट किया जाएगा? ऐसा कोई भी हमारा तय नहीं हुआ है अभी, पहले तो अंतिम आंकड़े आने दो, उसके बाद तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है नड्डा जी, और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला। देखिए अभी मैं कहता हूँ, उनका ढाई साल तो आरोप लगाने में गया, अभी तो कम से कम उन्होंने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, लोगों को आरोप पसंद है या काम पसंद है। हम आरोपों का उत्तर आरोप से नहीं दिया, हम उसका जवाब जो है काम के माध्यम से दिया, इसलिए जो काम बोलता है, और ढाई साल में जो काम किया है वो जनता ने देखा है, और जनता की आवाज बनकर हमने काम किया। सर लड़ाई से जनता को जो चाहिए वो हमने देने की कोशिश की है, इसलिए हमारे सरकार में आम जनता के जीवन में बदलाव हो जाए, सुख समृद्धि आ जाए, आनंद आ जाए, इसलिए एक तरफ विकास किया हमने, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं की, इसी के लिए आज ये बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री आज हम देख रहे हैं। लाडली बहन योजना जो है क्या ये पहली बार कर गया?
अलग महिलाओं को कभी भी किसी सरकार ने हमारी सरकार ने किया, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। बाकी भी हमारे लाडले बहनों का वोटिंग, लाडले भाइयों का भी वोटिंग, सभी लोगों ने परसेंटेज वोटिंग बढ़ा दी। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब काम करता है तो ऐसे प्रकार के काम होते डेवलपमेंट होती है, और उसी का नतीजा जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एक काम में हमें राज्य को केंद्र सरकार ने भी मदद की है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने भी हमेशा सहयोग रखा है, मार्गदर्शन रखा है, और इसलिए ये जीत जो है हमारी बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।